दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिस का भर्ती आ गया है, जो कि रेल व्हील फैक्ट्री कर्नाटका यानी कि बेंगलोर की तरफ से ये अप्रेंटिस निकल करके आया है। ठीक है, ये एड्रेस आपको देखना है, बहुत ज़रूरी है। जनरल मैनेजर्स ऑफिस, पर्सनल डिपार्टमेंट, यलाहंका, बेंगलोर, 560064। ठीक है, यहाँ से ये अप्रेंटिस निकल करके आया है। और इसमें देखिए, आपका जो 20% का मिलता है लेवल वन में, इसका कोटा मिलता है, वो आपको मिलेगा। आपको पीटी में जो छूट मिलता है वो भी मिलेगा, वो आपको 1/3 भी मिलेगा, प्लस में आपका जो 2/3 होता है वो भी मिलेगा। ठीक है, ये सारा कुछ जितना भी यानी कि और अदर जगह से, और अदर यूनिट आता, डिवीज़न आता, जोन से, जहाँ से भी लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से, ठीक है, खास सिर्फ रेलवे से, तो आप रेलवे में कहीं से भी आप लोग करते हैं, आप लोग यहाँ से भी अगर करते हैं रेलवे फैक्ट्री से, फिर भी आपको ये सारा बेनिफिट जो मिलता है लेवल वन में, एक अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को, वो आपको मिलेगा। ठीक है, और देखिए इसमें यहाँ पे क्या होता है कि और जगह लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वहाँ पे लगभग 8,050 के करीब में मिलता है स्टाइपेंड, कहीं कहीं 7,700 मिलता है। ठीक है, इस तरह से मिलता है, लेकिन यहाँ पर भाई आपको मिलेगा कितना, 12,000 से प्लस मिलेगा सैलरी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में टोटल बताऊंगा, सारा कुछ ऑल डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, बहुत सारा जानकारी है, क्योंकि ये इसका जो भर्ती होता है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। तो आप लोग वीडियो पूरा बने रहिएगा, चैनल पे आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के एक छोटी सी एड के बाद। अगर आप भी रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको रीजनिंग का क्वेश्चन अगर लगाना है, तो आप ये केरन पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, जिसमें से आपको टोटल 8,700 से प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 2024 का एडिशन है, TCS पैटर्न पर इसमें कवर किया गया है, प्लस में इसमें ALP टेक्नीशियन, RPF, RPF कॉन्स्टेबल, JEE ग्रुप डी, NTPC सारा एग्जाम को इसमें इंक्लूड करके बनाया गया है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज मिलेगा। हाँ, तो गाइस ये अप्रेंटिस का भर्ती जो आया है वो रेलवे फैक्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही आता है, कर्नाटका बेंगलोर की तरफ से आया है। ये नोटिफिकेशन में देखिए कितना ट्रेड का टोटल यहाँ पे मिला है मौका, तो यहाँ पे टोटल 7 ट्रेड को मौका मिला है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले भाई, देखिए ये सब जो है ना, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, अप्रेंटिसशिप रूल, ये सब यानी कि 1961 के तहत ही अप्रेंटिस का भर्ती होता है, अप्रेंटिस का एंगेजमेंट होता है, वो सब सारा कुछ ही बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान मत दीजिए, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से ट्रेड से कितना कितना वैकेंसी आया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फिटर का, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 85 है, जिसमें से जनरल का जो कि UR है उसमें 43 है, OBC का 23 है, ST का 6 है, SC का 13 है। आगे हम लोग बात करते हैं मशीनिस्ट का, तो मशीनिस्ट में टोटल वैकेंसी यहाँ पे 31 है, जिसमें से जनरल का 16 है, OBC का 8 है, और ST का 2 और SC का 5। मैकेनिक मोटर, जिसको MMV बोला जाता है, ठीक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसमें टोटल वैकेंसी 8 है, और जनरल का इसमें 4 है, OBC का 2 है, ST का 1 है और SC का 1 है। ठीक है, उसको टर्नर ट्रेड से यहाँ पे टोटल वैकेंसी 5 है, जिसमें से जनरल का 3 है, OBC का 1 है, और यहाँ पे ST कैंडिडेट का कोई वैकेंसी नहीं है, SC का 1 है। ठीक है, उसको ये देखिए, एक कुछ आपको दिखता होगा, नया ट्रेड देखता होगा, ठीक है, 5वां नंबर में CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर, जिसको COE ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इसमें टोटल 23 वैकेंसी है, जिसमें से 12 जो है जनरल से है, OBC से 6 है, ST से 2 है और SC से 3 है। उसके बाद 6ठा नंबर में है इलेक्ट्रीशियन का, इसमें टोटल 18 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल का 9 है, OBC का 5 है और ST का 1 है, SC का 3 है। नेक्स्ट में है 7, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी कितना, 22 है, और जनरल से 21 है, OBC से 6 है, ST से 2 है और SC से 3 है। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पे 192 है, जिसमें से आप लोग यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो है उसका भी 6 है, ये सारा मैं यानी कि इंक्लूड करके, और यहाँ पे PWD कैंडिडेट का 8 है। ठीक है, अब इसमें से यानी कि कैटेगरी वाइज अलग अलग नहीं किया गया है कि किस में यानी कि ट्रेड वाइज कि किस में कितना कितना वैकेंसी है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट का। आगे आप लोग देख सकते हैं, वही जो हर चीज़ में बात होता है कि आपका एज जो काउंट हो जाएगा वो इस डेट से काउंट होगा, ठीक है, यानी कि इस डेट तक आपका 15 से 24 साल के अंदर में रहना चाहिए। SC ST को आपको जो 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को आपको 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है, ये है। उसके बाद आपका जो ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा, वो आपका 10th में आपका 50% चाहिए मिनिमम, और आपका जो है इन जो 7 ट्रेड है इसमें से किसी से भी ITI यानी कि होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए
इसका जो ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा वो आपका यानी कि सब ट्रेड के लिए एक साल का रहेगा, ठीक है, पीरियड ऑफ वन ईयर सभी ट्रेड के लिए। उसमें से एक जो ट्रेड यानी कि CNC करके जो यहाँ पे है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे, यहाँ पे पांचवा नंबर में, इसका जो पीरियड रहेगा वो 6 महीना का ही रहेगा। आप लोग यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर COE ग्रुप यानी कि CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर इज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। इसका जो है वो 6 मंथ का ही ट्रेनिंग रहेगा, बाकी और अदर ट्रेड का 1 साल का रहेगा, इलेक्ट्रिशियन फिटर ये सब का 1 साल का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है भाई कि जो कर्नाटका स्टेट से रहता है ना, उसको सबसे पहले उसका रजिस्टर यानी कि होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, और उसको जो प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाता है, जो कि आप लोग इस जगह पे देख सकते हैं, यानी कि कर्नाटका स्टेट से जो जो बिलोंग करते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि जो वैकेंसी है उसमें पहले कर्नाटका स्टेट को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद ऑल अदर स्टेट को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर भर सकते हैं ऑल यानी कि हर स्टेट से भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस जो कर्नाटका स्टेट को दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे वही आता है स्टाइपेंड से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप स्टाइपेंड से रिलेटेड जो है वो देखिए आपका 12,261 रुपया है, ठीक है, कौन सा ट्रेड को छोड़ करके, तो CNC ट्रेड को छोड़ करके इसका जो है 6 महीना के लिए 10,899 है, यानी कि आपका जितना भी ट्रेड है, जैसे हो गया टर्नर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, MMV हो गया, मशीनिस्ट फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, ये सबको 12,261 मिलेगा, लेकिन CNC ट्रेड से जो है उसको मिलेगा 10,899, क्योंकि इसका 6 महीना का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद भाई देखो इसका यानी कि अप्लाई कैसे करना है, तो ये जो है वो आपको पोस्ट ऑफिस से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग सारा कुछ एनेक्सर वगैरह इसमें बताया गया है नीचे कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, वो आप लोगों को अगर ज़रूरत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत यानी कि लंबा हो जाएगा। सारा कुछ यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कैसे कैसे नाम वगैरह लिखना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और सर्टिफिकेट वगैरह कैसे कैसे, सेंट्रल का फॉर्मेट वगैरह सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। और ये आपका 100 रुपया लगेगा, ठीक है, ये आपको यानी कि देना पड़ेगा उसी को जहाँ से आप लोग अप्लाई कीजिएगा ना, वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, किससे, तो पोस्टल, इंडियन पोस्टल ऑर्डर से या डिमांड ड्राफ्ट से, ठीक है। तो ये यानी कि पोस्ट ऑफिस से ही अप्लाई होगा। आप लोग जो है सिंपल ये सब सारा कुछ जो फॉर्मेट है सारा कुछ इसमें बताया गया है कि यानी कि 50% रहना चाहिए, और ये सब प्रूफ वगैरह जो 10th का हो गया मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा भाई, क्योंकि बहुत यानी कि लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग बोलिएगा बोरिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। और आपको ये भेजना कहाँ पे है, तो ये आपको यहाँ पे भेजना है द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर 560064, ये पिन कोड है, ठीक है। तो यहीं पर आप लोगों को भेजना है अपना फॉर्म करने का, अप्लाई करने का, ठीक है। और लास्ट डेट इसका क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे बताया जा रहा है कि इसका लास्ट डेट जो है 22 मार्च है, ठीक है, 22 मार्च इसका लास्ट है, उससे पहले आप लोग यानी कि भेज दीजिएगा 5 बजे से पहले, ठीक है। और बाकी जो यानी कि इसमें वही इंपॉर्टेंट डेट यानी कि मेरिट लिस्ट से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और सिलेक्शन से क्या क्या है ट्रेनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका लास्ट डेट सबमिशन का है 22/3/2024, और आपका जो है 45 दिन के अंदर में आपका DVA का लिस्ट आ जाएगा कि किसका किसका नाम है क्या नहीं है, उसके बाद आपका DVA हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका DVA होने के बाद आपका 15 दिन के बाद इशू कर दिया मेरिट लिस्ट कर दिया जाएगा, जो कि ट्रेनिंग का मेरिट लिस्ट रहेगा, ठीक है, कि कब से आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें जो बनेगा आप लोगों का परसेंटेज वो आपका किस में बनेगा, तो आपका सिर्फ वो 10th स्टैंडर्ड पर ही बनेगा, ठीक है। इसमें ITI का कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि हम 50% यानी कि ITI का लेंगे और 50% यहाँ पर 10th का लेंगे, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो 10th का मार्क्स को ही, जितना आप लोग नंबर लाए हैं उसी को इसमें मेरिट के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को देखता होगा यहाँ पे कि 50% मिनिमम 10th में होना चाहिए, अगर किसी का 50% से कम अगर है भाई तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, अगर अप्लाई कीजिएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका इसमें जो मेरिट तैयार होगा वो आपका 10th बेसिस पर होगा, ठीक है, जैसा कि BLW में होता है, BLW में जो है वो 10th बेसिस पर ही होता है। और बाकी अगर किसी का सेम अगर आ जाएगा तो उसका डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पे लिया जाएगा, इस तरह से बोल रहा है। और बाकी कुछ नहीं भाई, वही है यानी कि ST SC जो भी आपका रहेगा सारा कुछ, PWD BD कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन, ये सब आपका सेंट्रल लेवल का चाहिए, जो कि नीचे आपको फॉर्मेट वगैरह सारा कुछ दिया गया है, ठीक है।
और बाकी इसमें बेसिक जानकारी वही जो था हम आपको बता दिए। देखिए यार यहाँ पे लिखा गया कुछ एक और है, हायर एजुकेशनल बोल रहा है कि डिप्लोमा होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल, यहाँ पे लिख दिया है ठीक है। तो डिप्लोमा जो जो किए हैं वो नहीं भर सकते, हाँ अगर उन्होंने अप्रेंटिस कर रखा है तो सॉरी अगर उसने आईटीआई कर रखा है तो भर सकता है ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, आपका जो सब मैं यानी कि बेसिक रहता है वही सब है ठीक है। जो जो ज़रूरी चीज़ था वो मैं आपको बता दिया, और ये सब सारा कुछ फॉर्मेट इसका ये सब फॉर्मेट में होना चाहिए ठीक है। ये फॉर्मेट में होना चाहिए, ये आपको भेजना है भर करके। देखिए फोटो वगैरह सारा कुछ चिपकाने उपकाने के लिए बोल रहा है, नाम वगैरह के लिए, पिताजी का डेट ऑफ बर्थ, कास्ट अपना हो गया, फिजिकल हो गया, प्लस में नेशनलिटी हो गया, ये सब सारा कुछ। आपको भाई दिक्कत अगर होगा तो आपको हम बोलिएगा यानी कि कमेंट करके कि हाँ इस ऐसी दिक्कत है, हम आपको समझा देंगे कि कैसे 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 क्या क्या करना है ठीक है। ये कास्ट सर्टिफिकेट है भाई, देखो बोल दिया है, लेकिन हाँ मैं आपको बोलूँगा एक चीज़ ऑप्शनल में ये कि अगर आपके पास जैसे होता है कि हर स्टेट का अपना ऑनलाइन बनता है, तो वो भी अगर आपके पास होगा तो वो भी आप लोग यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास वो वाला होगा तो आप वो वाला भी यानी कि भेज सकते हैं ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में अगर आपका नहीं है तो, और अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग इसी फॉर्मेट में बना लीजिए, क्योंकि लगभग लगभग यानी कि हर जगह यही फॉर्मेट में रहता है ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत होगा तो आपको कमेंट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब चलिए जय हिंद जय भारत।